नहीं मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी होना आसान है? अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे हम सेलिब्रिटीज अपनी जान पे खेल के आप लोगों के लिए नया एंटरटेनमेंट लाते हैं। हाँ यकीन नहीं आ रहा, तो ये देखिए। हाईला देखा आपने, अलाया एफ। अरे अलाया एफ खुद बाल बाल बची लेकिन अपने बाल नहीं बचा पाई। खैर आप अपने बाल भी बचाएंगे और इनाम भी कमाएंगे। आपका स्वागत है फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंस क्या बोलती पब्लिक में। क्या बोलती पब्लिक, पर पब्लिक क्या बोलती है ये जानने के लिए आपसे कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। तो चलिए ये रहा पहला सवाल, आप मुझे बताइए लोगों को अपने बाल कैसे रखना ज्यादा पसंद है, लंबे या छोटे। 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार देखिए बड़ा सिंपल है, आपसे पूछूंगा 5 सवाल, हर सवाल के 2 ऑप्शन, जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही माना जाएगा सही जवाब। अब आप बाल लंबे रखना चाहते हैं या छोटे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। वैसे मुझे यार लंबे बाल बड़े पसंद है पर छोटे रखने पड़ते हैं। अलाया का ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि एक्टर्स रिहर्सल्स क्यों करते हैं। अरे इसीलिए ताकि अगर बाद में आने वाली कोई प्रॉब्लम हो वो रिहर्सल में ही निपट ले। और वैसे एक्टर्स जो हैं उनका लुक टेस्ट भी होता है ये देखने के लिए कि बड़े पर्दे पे एक्चुअल में एक्टर लगेगा कैसा। हाँ अरे हाल ही में राजकुमार राव है ना, उन्होंने बरेली की बर्फी फिल्म के लिए एक लुक टेस्ट किया था, उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करी। देखा कितना कॉन्ट्रास्ट है दोनों कैरेक्टर्स में। वैसे राजकुमार का ये पोस्ट देख के राजकुमार की गर्लफ्रेंड पत्र लेखा ने कमेंट में लिखा, प्रीतम आई लव यू। यार एक बात समझ नहीं आई, बरेली की बर्फी का म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने, तो यार ये पत्र लेखा ने प्रीतम दा को आई लव यू क्यों लिखा। जस्ट जोकिंग, एक्चुअली राजकुमार राव के कैरेक्टर का नाम प्रीतम था। हाँ वैसे आप अगले सवाल का जवाब दीजिए, आप बताइए इन दोनों एक्टर्स में से ज्यादा अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन कौन बन सकता है, अक्षय कुमार या शाहरुख खान। 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार मुझे इन दोनों का तो पता नहीं लेकिन बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकती है और मेरे ख्याल है हमारी भारती सिंह। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, कहती है भाई क्या करूं, एक बार बैठ जाती हूं ना उठने में दिक्कत होती है तो मैं खड़े खड़े ही मजाक कर लेती हूं, स्टैंड अप कॉमेडियन यार राजकुमार के लुक का तो पता नहीं लेकिन यार इन डॉगीज का लुक बड़ा ही क्यूट है। देखिए यार बड़ा स्ट्रेस चल रहा है तो हमें अच्छा लगता है हम अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीजें देखें, तो मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 डॉगीज की कहानी लाया। यार स्कॉटलैंड में ये डॉगी भीग रहा था और वहां पे एक गार्ड था, उसे डॉगी को देख के तरस आ गया, डॉगी का दर्द देखा नहीं गया, उसने फटाफट अपनी छतरी खोली और डॉगी को अपनी छतरी में ले लिया। हाउ स्वीट यार, उसके बाद से वो गार्ड जो है वो गाता फिर रहा है, मेरी छतरी के नीचे आ जा क्यों भीगे डॉगी खड़ी खड़ी। और अब ये वाला ये तो और भी कमाल है यार, क्या बात है ना यार, एक ने डॉगी को बारिश में भीगने से बचाया और दूसरे ने डॉगी के लिए स्पेशल शावर बनवा दिया। अब तीसरा वाला, पिकी गुड गर्ल से हाय, शी डजंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब फ्रॉम हर स्लीप, सो मच नाटक जस्ट बिकॉज़ आई वोक यू अप। डायना ने अपने डॉगी को उठाया तो वो उदास हो गया, नाराज हो गया। यार जाहिर सी बात है मतलब किसी सोते हुए को उठाओगे तो वो गुर्राएगा ही ना। खैर अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, आप मुझे बताइए आपका फेवरेट डॉगी कौन सा है, मतलब कौन सी फेवरेट ब्रीड है, पोमरेनियंस या फिर लैब्राडोर। आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार देखो यार वैसे मुझे कोई भी ब्रीड हो मुझे डॉगीज बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये जो कार्स के पीछे भौंकते हुए दौड़ते हैं ना मतलब समझ नहीं आती, वो मुझे ऐसा लगता है कई बार ये दौड़ते दौड़ते अगले चौराहे पे गाड़ी रोकेंगे और खुद ही ड्राइव करने लगे। यार डायना पेंटी के डॉगी का मूड ना ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है उसे सुनाने पड़ेंगे गाने, वो भी HR यानी हिमेश रेशमिया के। अरे यार आप पूछ रहे कौन सा, अरे भाई कोई भी सुना दो इतने सारे गाने हैं, अब तो लॉकडाउन में उन्होंने 300 गाने और बना दिए। हाँ हिमेश सर
मानना पड़ेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को। अरे चाइना वाले शर्मा गए यार, वो आपको पूरा का पूरा म्यूजिक की फैक्ट्री बुला रहे हैं। कमाल बात है यार। वैसे आप बताइए, क्या हिंदुस्तान हिमेश रेशमिया के 300 गानों के लिए एक्साइटेड है, हाँ या ना? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वेल, मैं गानों के लिए तो एक्साइटेड हूं ही यार, और अपने शो के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि हिमेश सर और मैं एक शो एक साथ कर रहे हैं और इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे 300 एपिसोड हो जाएंगे यार। यार वैसे ना, बड़े अफसोस की बात है यार, एक बंदा है जो हिमेश रेशमिया सर के गाने कभी नहीं सुन पाए, पता है क्यों? आप देखिए। बताइए, इन सर को तो कभी कोरोना होगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास सर है ही नहीं। अरे सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं है, पर यार इस अंदाज में अगर बाइक चलाएंगे, कसम से अच्छे खासे आदमी जो सड़क पे चल रहे हैं उनको डर लग जाएगा। वैसे आप मुझे बताइए, हॉरर फिल्म्स में आपको किससे ज्यादा डर लगता है, साउंड इफेक्ट्स या स्पेशल इफेक्ट्स? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार वैसे सच्ची बताऊं, मुझे हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। मैं तो कसम से घर में भी अकेला होता हूँ ना, सारी बत्तियाँ ऑन करके बैठता हूँ, और कभी कभी सोते वक्त टीवी भी ऑन कर लेता हूँ, वो भी कोई कॉमेडी शो। हाँ चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी 5 और सवालों के साथ, और अगर आपने एपिसोड में 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आपका इनाम पक्का। सुबह 9 बजे आइए हमारे पेज पे जानने के लिए विनर्स के नाम और सही जवाब। अब जाते जाते आज का ज्ञान, एक शादीशुदा आदमी के लिए सुनो का मतलब होता है बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आए। कल मिलूंगा ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। ये है इंडिया का सबसे